भारतीय राज व्यवस्था और संविधान का संवैधानिक विकास का ढांचा पढ़ रहे थे कि कैसे भारतीय संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ है, संवैधानिक विकास हुआ है, वह किस तरह से हुआ है। तो संवैधानिक विकास की यदि हम बात करते हैं तो संवैधानिक विकास हमारा दो हिस्सों में हुआ था। एक तो हिस्सा हमारा था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो शासन व्यवस्था थी, और दूसरी जो व्यवस्था हमारी थी वो थी क्राउन के अधीन हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आइए अब चलते हैं हम लोग क्राउन के अधीन जो हमारी शासन व्यवस्था थी उस पर, है ना। तो क्राउन के अंतर्गत, क्राउन के अंतर्गत शासन व्यवस्था, ठीक है, और या इसी को हम कह सकते हैं संवैधानिक डेवलपमेंट। क्राउन के अंतर्गत जो हमारा संवैधानिक डेवलपमेंट था उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला जो एक्ट आता है दोस्तों वह रहता है 1858 का, 1858 का चार्टर एक्ट। मैंने आपको बताया था कि सन 1857 में भारत में एक क्रांति होती है और उस क्रांति ने अंग्रेजी जो शासन थी उसकी नींव को, उसकी सत्ता को हिला दिया था। तो अंग्रेजों ने जब अध्ययन किया कि 1857 की क्या कारण क्या थे, तो कई सारी ऐसी कमियां जो कंपनी के द्वारा शासन व्यवस्थाएं चलाई जा रही थी, कंपनी के द्वारा जो कुशासन व्याप्त था, कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों का परिणाम था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने क्या किया, लॉर्ड पामस्टन जो थे उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे, और लॉर्ड पामस्टन ने भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो शासन व्यवस्था थी वह शासन व्यवस्था उन्होंने क्या किया, ले लिया, और शासन किसको सौंप दिया गया, क्राउन को, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ इस एक्ट के द्वारा। कैसे हस्तांतरण हुआ, तो सत्ता का हस्तांतरण ऐसे होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन व्यवस्थाएं थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन चलाया जा रहा था, उसे किसके हाथों में सौंप दिया गया, उसे यहां से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन व्यवस्थाओं को सौंप दिया जाता है 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन व्यवस्था क्राउन को सौंप दी जाती है। तो वह कौन सा एक्ट था दोस्तों, 1858 का एक्ट था, ठीक है। भारत का शासन कंपनी के हाथों में दे दिया गया, भारत का शासन क्राउन के हाथों में दे दिया गया। ठीक, व्यवस्था क्या की दोस्तों, क्राउन के हाथों में दे दी जाती है। दूसरा, भारत में एक जो है भारत सचिव पद का सृजन किया गया, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, है ना, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह क्या आता है, भारत सचिव के पद का सृजन किया जाता है इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है,
और ये भारत सचिव कौन होता था? भारत सचिव जो है वह ब्रिटिश ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वह ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा जो है वह अपॉइंट किया जाता था, नियुक्त किया जाता था ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत सचिव की सहायता और उसके कार्यों में जो है वह मदद करने के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन करती है और उनको लाया जाता है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 या चार्टर एक्ट जो है 1858 का, उसके द्वारा ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वह है 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम, ये जो 1909 का भारत शासन अधिनियम था इसके द्वारा क्या किया जाता है? ठीक, इसी को कहा जाता है दोस्तों मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार है ना, यही जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था वो किसके नाम से जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मॉर्ले जो थे वह उस समय के भारत सचिव के पद पर कार्य करते थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक, तो इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से जो सुधार भारत में किया गया, ठीक, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले के जो प्रयास थे, संयुक्त प्रयास से जो सुधार भारत में किए गए, जो 1909 का शासन अधिनियम आया वही मॉर्ले मिंटो सुधार कहलाया। तो इसके द्वारा क्या क्या किया गया, कौन कौन से कार्य हुए, आइए देखते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है आपको याद रखना है, मॉर्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मॉर्ले क्या थे, उसमें भारत सचिव थे, मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ, सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक से निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, और जो ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है, यही निर्वाचन मंडल, यही कार्य जो है वह भारत की राजनीति में, भारत में फूट डालो और शासन करो, यानी डिवाइड एंड रूल के नाम से जाना गया। अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमानों के लिए पृथक से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की और उसी के आधार पर भारत में क्या है, सांप्रदायिकता ने जन्म ले लिया। भारत में मुसलमानों को के साथ तुष्टिकरण की राजनीति की जाने लगी। ठीक, 1909 का यह शासन अधिनियम था जिसके द्वारा यह चीज सबसे महत्वपूर्ण की गई। अब आइए देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक, 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम जो था वो किसके नाम से जाना जाता था, वो जाना गया दोस्तों मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार नाम से जाना गया। कौन सा अधिनियम जाना गया, 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। मॉन्टेग्यू क्या थे उस समय के, भारत सचिव थे, जेम्स फोर्ड जो है भारत के वायसराय हुआ करते थे। इसी अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के
द्वारा उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी सरकार शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ, शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ, है ना। मीन्स उत्तरदायी सरकार एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के प्रति या जनता की तरफ उनकी उत्तरदायी होनी चाहिए, जनता के प्रति उन्हें जवाब दे, अकाउंटेबल बनाया जाए। ठीक, तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार जो है वह उत्तरदायी शासन व्यवस्था का जो है वह प्रयास किया गया। इसी एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया, जो भारत सचिव का पद था, भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किया गया, ब्रिटिश राजस्व से देने का क्लियर है कि भारत सचिव का जो खर्चा था मींस उसके वेतन भत्ते और उसके जो भी आवश्यकता की जो चीजें होती थी वो क्या करने लगे कि पहले जो भारत के पैसे से इसका खर्च होता था वो उन्होंने क्या कर दिया कि भारत के पैसे से नहीं अपितु इनका खर्च जो होगा वह कहां से दिया जाएगा, तो ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। ठीक, इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश जो भारत सचिव था इसकी सहायता के लिए भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। जो आपने पहले देखा था 1858 में एक 15 सदस्यीय समिति आई थी भारत सचिव की सहायता के लिए, उसे हटाकर इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर भारत सचिव के पद, भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, क्लियर है यहां पर कि भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही है। इसी एक्ट के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का जो है वह प्रारंभ होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ठीक, इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया कि अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया और महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया, महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया, है ना, महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया। किस एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में दो सदन, आज भारत में कैसी सदनात्मक व्यवस्था है, यदि केंद्र की बात करें तो दो सदनात्मक है। ये कब की देन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की ही देन है जो भारत में आज द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो भारत में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी वो कब प्रारंभ होती है दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, समझिएगा, द्वैध शासन और द्विसदनात्मक दोनों अंतर है ना,
द्वैध शासन क्या होता है? द्विसदनात्मक, द्विसदन अलग चीज होती है, यानी दो सदन में कार्य होगा। द्वैध शासन का अर्थ होता है कि शासन की प्रणाली को दोहरे तरीके से आपको लागू किया जाएगा, ठीक है। और द्वैध शासन जो था उसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। द्वैध शासन को उन्होंने विषयों के आधार पर बांट दिया, दो विषय कर दिए उन्हें, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है। रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में अलग अलग कर दिए द्वैध शासन को, कि रक्षित विषय में ये सब्जेक्ट रहेंगे, अभी आगे इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, ठीक। प्रांतों में क्या किया गया? द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। जब द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई तो इन्होंने क्या किया, जो विषय थे मींस जिस पर शासन किया जाता था, तो इन्होंने विषय को दो हिस्सों में बांट दिया। किस पर बांटा? विषयों को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। एक इन्होंने कर दिया रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित, रक्षित और हस्तांतरित। तो रक्षित विषय में इन्होंने क्या किया, जो महत्वपूर्ण थे, जिसे रक्षित में क्या किया इन्होंने, राजस्व, न्याय, शिक्षा, मींस जहां से पैसे का कलेक्शन होना था, जहां से रेवेन्यू का कलेक्शन होना था, उसे इन्होंने किस में रखा, रक्षित विषय में रख दिया। और हस्तांतरित में इन्होंने क्या कर दिया, कृषि, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, मींस जहां से पैसा नहीं आना था, पैसा लगना था, उसे इन्होंने क्या किया, हस्तांतरित। यही कहलाती है द्वैध शासन व्यवस्था। मीन्स शासन को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, और उनके आधार पर ये क्या करने लगे, शासन करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करने का, ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब आते हैं हम 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। 1935 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जब ये एक्ट आया गया तो इस एक्ट के द्वारा भारत में जो भी सुधार किए जाते थे, उन सुधार की समीक्षा के लिए सन 1927 में एक आयोग आता है, साइमन आयोग भारत आता है। साइमन आयोग जब भारत आता है तो साइमन आयोग का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता है भारत में। क्यों किया जाता है? क्योंकि उस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में वो आयोग भारत आता है। भारत में जो डेवलपमेंट थे, भारत की जो स्थिति थी, उस स्थिति की समीक्षा करने के लिए, लेकिन उसका विरोध किया जाता है। विरोध के कारण साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ता है और उसके बाद आता है 1935 का शासन अधिनियम, ठीक। तो आइए देखते हैं 1935 के शासन अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैंने आपको बताया कि 1919 में ही उत्तरदायी सरकार शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो पाई थी भारत में। परिणाम, जनता में असंतोष और रोष व्याप्त था, और उसी असंतोष और रोष के कारण जो साइमन कमीशन भारत आता है, उस साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, और उसी विरोध के कारण सन 1935 का जब शासन अधिनियम आया आता है, उस शासन अधिनियम की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब विरोध किया गया भारत शासन अधिनियम 1935, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा भारत का संविधान है आज का, वह भारत का संविधान, पूरे भारतीय संविधान का 1/3, 1/3 हिस्सा, तीसरा तिहाई हिस्सा जो है, वह 1935 के शासन अधिनियम से ही प्रभावी है।
प्रभावित है। मीन्स जो यदि हम जब स्रोत पढ़ते हैं भारतीय संविधान के, तो जब हम स्रोतों की चर्चा करते हैं तो उन स्रोतों में सबसे ज्यादा जो स्रोत है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक, लॉर्ड बर्किनहेड उस समय जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्या थे, भारत, माफ कीजिएगा, ये भारत सचिव थे, भारत सचिव के पद पर थे लॉर्ड बर्किनहेड। तो लॉर्ड बर्किनहेड ने जो भारतीय नेता साइमन आयोग का विरोध कर रहे थे, उन्हें उन्होंने यह चैलेंज दिया कि आप अपना एक ऐसा संवैधानिक मसौदा बनाइए, तैयार करिए, जो सभी दलों द्वारा, जो भारत में जो दल थे वो सभी दलों द्वारा स्वीकार्य हो। ठीक, क्या कहा था उन्होंने, लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संवैधानिक मसौदा तैयार करने को कहा जो सभी दलों द्वारा स्वीकार्य हो। ठीक, सभी दलों द्वारा, भारत में जितने भी दल थे उनके द्वारा स्वीकार्य हो। इसी अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो आगे चल के आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 1, 2, 3 में, वो यहीं से आता है। ऑल इंडिया फेडरेशन उस समय था, अखिल भारतीय संघ, भारत एक राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 हम पढ़ते हैं। ठीक, तो अखिल भारतीय संघ के जो प्रावधान थे, जो स्थापना की जाती है, वह इसी के द्वारा की जाती है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। हम बताएंगे आपको अनुसूची 7, जिसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अर्थात विषयों के आधार पर, जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के विषय हैं उन पर। तो यहां पर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई, प्रांतों को स्थापना की गई। ठीक, प्रांतों को क्या किया गया, इंडिपेंडेंट बनाने का काम किया गया। फेडरल न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यही भारत का संविधान स्थापना की, यही जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट बन जाता है, जो संघीय न्यायालय उस समय स्थापित किया गया था, फेडरल न्यायालय। उसी फेडरल न्यायालय को भारत जब आजाद होता है तो भारत की आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे, बाकी है तो बहुत सारे प्रावधान दोस्तों, लेकिन हमें सारे प्रावधानों को नहीं देखना है यहाँ पर। ऐसे पॉइंट जिनसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये हमारा 1935 तक। अब 1947 तक में वहां पर डेवलपमेंट बहुत कुछ नहीं हुआ, केवल भारत के विभाजन की बात की गई। ठीक, तो यहां तक हमने देखा भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, दो हिस्सों में, दोनों को हमने अलग अलग करके, महत्वपूर्ण अधिनियमों और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, उससे पहले आपको एक बार फिर से अवगत कराते चले कि संस्था के द्वारा जो बैच आपके लिए संचालित किया जा रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा
लगभग 5200 पदों पर आयोजित होगी लेखपाल की, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी लोग अपनी कमर को कस लीजिए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। हम आपको ये पूरा भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि सफलता दूर नहीं है। आपको एंट्री लेखपाल लिखकर 8736093317 पर व्हाट्सएप करना है, बाकी का काम फिर हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको बताई जाएंगी। आप अपने घर पे रहिए, जहाँ हैं वहीं रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।